दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों इंसान के जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और आज के ज़माने में हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि उनके जो बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन लें, अलग अलग जगहों पर जाएं। और अगर अपने पश्चिमी राजस्थान या बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर के बच्चे लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं और इसी को देखते हुए इसी प्रकार के बच्चों के काउंसलिंग के लिए बाड़मेर शहर के सिटी सेंटर में सेंट विल्फ्रेड कॉलेज की ओर से एक ऑफिस खोला गया है, जहां पर बच्चों को ये बताया जाता है कि आप जयपुर तो जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन क्या आप जो चाहते हैं, जिस तरीके की आप पढ़ाई करना चाहते हैं, जिस तरीके की आप फैसिलिटी चाहते हैं, उसके बारे में पहले आप प्रिपेयर होते हैं कि नहीं होते हैं? बस इन्हीं बातों की जानकारी के लिए यहाँ पर कॉलेज खुला है, कॉलेज का एक ऑफिस खुला है जहाँ पर एक सर है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस कॉलेज के बारे में अगर थोड़ी कुछ बातें बताना चाहूँ तो बता दूं कि सेंट विल्फ्रेड जो पीजी कॉलेज है ये जयपुर में है और इस कॉलेज का दावा है कि यहाँ पर हर साल 1500 से अधिक जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उनको सरकारी नौकरी मिलती है। इनका 100% रिजल्ट रहता है और अन्य प्रकार की कई सारी इनकी जो है वो फैसिलिटी रहती है। हमारे साथ सर हैं, सर से जानते हैं। सर सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे जो बाड़मेर के जो बच्चे हैं वो कई बार पढ़ने के लिए बाहर तो जाते हैं लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं होता है कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्या किस पढ़ाई के लिए कौन सी कोचिंग या कौन से कॉलेज जाना है। तो किस तरीके का ये आपका जो ऑफिस यहाँ बाड़मेर में स्टार्ट कर रहे हैं सर? नमस्कार सर, मेरा नाम सुनील शर्मा है। मैं सेंट विल्फ्रेड कॉलेज में डीन स्टूडेंट वेलफेयर पद पे कार्यरत हूँ। मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ संस्था के बारे में। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार निरंतर रूप से भारत के सर्वश्रेष्ठ 200 कॉलेज में उत्तर भारत की तरफ से होने वाला चयनित ये एकमात्र संस्थान है, जिसके मुख्य पैरामीटर्स ये हैं कि बच्चों को जो शिक्षा मिले उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक नेट पीएचडी हों, बच्चों को बेहतर फैसिलिटीज मिलें, हर साल गवर्नमेंट में कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, प्राइवेट कैंपस प्लेसमेंट्स कितने हो रहे हैं, बच्चे शिक्षा और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कितना अच्छा कर पा रहे हैं। आज के विद्यार्थी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चा जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है उसको कहाँ वो सुविधाएं मिलें कि वो बेहतरीन से बेहतरीन अपना करियर डेवलप कर सके, बना सके। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज के युग में विद्यार्थियों की पहली चॉइस है सरकारी नौकरी लग करके अपने भविष्य को बेहतर करना। तो हम विद्यार्थी को ग्रेजुएशन के साथ साथ निशुल्क कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आरएएस, आईएएस, बैंक पीओ, एसएससी, रेलवे, पटवारी, जूनियर अकाउंटेंट, एलडीसी, इंश्योरेंस कंपनीज में प्रशासनिक सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, डिफेंस के अंदर सीडीएस की प्रिपरेशन करवाना, एनडीए की प्रिपरेशन करवाना। इसके अलावा आप ये मान करके चलिए कि विद्यार्थियों को इंटरव्यू की तैयारी करवाना, तो ये हमने बिल्कुल डिसिप्लिन रूप में चीज़ों को हमने व्यवस्थित किया है, जिसमें सुबह 9 से 12 बच्चे को हम कॉलेज की क्लासेस देते हैं, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक बच्चों को हम एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा आईएएस, आरएएस और अन्य गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कराते हैं। 3 बजे से लेकर 4 बजे तक हफ्ते में 3 दिन हम बच्चों को स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस देते हैं ताकि बच्चा इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार कर सके। बाकी के 3 दिन हम बच्चों को डाउट क्लासेस देते हैं ताकि बच्चों को नियमित रूप से जो भी समस्याएं पढ़ने में आ रही हैं उनका समाधान हो सके। हर 15 दिवस में बच्चों का हम एक ओएमआर और डिजिटल टेस्ट कराते हैं, जिसकी वजह से बच्चा ये आकलन कर पाता है कि मैं टेस्ट रैंकिंग में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। यही वजह है कि सेंट विल्फ्रेड नियमित रूप से हर साल 1500 से ऊपर सिलेक्शन विभिन्न गवर्नमेंट जॉब्स में बच्चों को दे रहा है। इसके अलावा बच्चों को खेल में आगे ले जाने के लिए हर साल हम बच्चों को वो व्यवस्थाएं दे रहे हैं जिसमें जिमिंग, स्विमिंग, एक्सपर्ट कोचेज हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्विमिंग, आप देखिए बच्चे शूटिंग, जिसके अंदर बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाल ही के अंदर ये बड़े गौरवान्वित होने की बात है कि हमारे ही एक विद्यार्थी कृष्णा नागर ने पैरा ओलंपिक टूर्नामेंट जो कि टोक्यो में हुआ था उसमें भारत को गोल्ड मेडल बैडमिंटन के अंदर दिलाया। हाल ही में आकाश सिंह हमारे विद्यार्थी हैं जो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं। हाल ही में सचिन सिंह हमारे विद्यार्थी हैं जो शूटिंग बर्लिन में जो टूर्नामेंट हुआ उसमें सिल्वर मेडल उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए दिलाया। ऐसे ही अन्यत्र विद्यार्थी हैं जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश को पहचान दिला रहे हैं। हमारा ये लक्ष्य है कि बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले। रहने के लिए हमने हॉस्टल फैसिलिटीज बच्चों को दी है। सुबह 9 बजे से बच्चों का एक डिसिप्लिन कार्यक्रम शुरू होता है जो कि रात को 9-10 बजे तक चलता है, जिसमें विद्यार्थियों को कॉलेज एजुकेशन, कोचिंग क्लासेस के साथ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज देना, उनका मनोवैज्ञानिक रूप से उनको सुदृढ़ बनाने के लिए साइकोलॉजिकल बच्चों को काउंसलिंग देना, समय समय पर बच्चों को काउंसलिंग मिलना ताकि उनका आकलन हो सके। आज सबसे बड़ी समस्या अभिभावकों के लिए ये है कि वो अपने जिगर के टुकड़े को जयपुर पढ़ने के लिए भेजते हैं,
600 किलोमीटर दूर होने की वजह से बड़ा मुश्किल में वो अपने आप को पाते हैं कि कैसे वो ये तय कर पाए कि हमारा बच्चा सुरक्षित है, सही दिशा में आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। उनको इसी व्यवस्थाओं के साथ आश्वस्त करने के लिए हमने ये ऑफिस यहाँ पे खोला है कि बच्चों के अभिभावकों के पास ये एक अपॉर्चुनिटी रहे कि वो यहाँ रहते हुए भी बच्चों की डेली एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान दे सके, बच्चों की कोई तकलीफ ना आए। प्लस बच्चा आप जब बाड़मेर से निकले किसी भी जगह पढ़ने के लिए तो बच्चे को ये पता हो कि मैं मेरी काबिलियत के हिसाब से क्या प्राइमरी ऑप्शन और सेकेंडरी ऑप्शन चुन सकता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज बच्चे केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्र में भी देश का प्रतिनिधित्व करके एक अच्छा करियर बना रहे हैं। तो अगर बच्चों को ये पता चले कि मेरी स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स में है और उस बच्चे को हम स्पोर्ट्स की ही व्यवस्थाएं दें तो मेरा ये मानना है कि वो बच्चा डेफिनेटली अपने माता पिता का, अपने विद्यालय महाविद्यालय का, वे अपने देश का नाम रोशन करेगा। तो हमारा मकसद यहाँ आने का यही है कि बच्चों को हम निशुल्क कोचिंग दें, बच्चे यहाँ आए, अभिभावक यहाँ आए, हमारे काउंसलर्स यहाँ मिलेंगे उनको, हम बच्चों की स्ट्रेंथ के हिसाब से उनको ये गाइड करेंगे कि बच्चे किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जिसकी बच्चे तैयारी कर सकते हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो उनके लिए इंतजार कर रही है ताकि वो स्वर्णिम भविष्य अपना निर्माण कर सके। निश्चित रूप से आप देखिए बहुत बड़ी बात सर ने बताई है। और यहाँ जो कॉलेज है सेंट विल्फ्रेड कॉलेज जो जयपुर में है, जिनका यहाँ पर एक ऑफिस खोला गया है और यह ऑफिस काउंसलिंग करेगा या बताएगा बच्चों के परिजनों को, बच्चों को कि भी आपके बच्चे अभी आपके बच्चे ने 12th पास कर दिया। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जब बच्चे बीए कर लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद उनके दिमाग में आती है कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी है। लेकिन इस कॉलेज की जैसा कि उन्होंने बताया ये खासियत है कि हम बच्चे को फर्स्ट ईयर के साथ ही ये चीजें बताना शुरू कर देते हैं, उनको कोचिंग देना शुरू कर देते हैं कि उनका भविष्य किस तरफ है, वो बच्चा चाहता क्या है। तो आप ये बाड़मेर शहर के सिटी सेंटर में ये ऑफिस है सेंट विल्फ्रेड कॉलेज का, यहाँ पर आपको काउंसलर मिलेंगे, यहाँ ऑफिस मिलेगी, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में पूरी बात यहाँ जान सकते हैं। ये भी कहते हैं कि आपके बच्चों को कहाँ पढ़ाना है वो आप तय कीजिएगा, लेकिन एक बार यहाँ आकर के बच्चों को किस तरीके के किस क्षेत्र में भेजना है इस बात की जानकारी यहाँ जरूर लीजिएगा। बच्चों के भविष्य के लिए अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे इसलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।